चलिए अब आचार्य जी से हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा और क्या कुछ उपाय कर साल की शुभता को और भी बढ़ाया जा सकता है। आचार्य जी जी बिल्कुल, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष शनि की दूसरी साढ़े साती और दूसरी ढैया से परिपूर्ण रहने वाला समय ये दूसरी ढैया लेकर के आएगा। ऐसे समय में शुभाशुभ मिश्रित फल वाला ये वर्ष रहेगा। इस समय में इस वर्ष में आपको मानसिक तनाव, सिर में कोई चोट लग जाए, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसमें सिर में चोट लगे, ऐसे भी संकेत दिखाई देते हैं। बड़ा आर्थिक नुकसान व चिड़चिड़ापन लेकर के आएगा, उसके साथ अनेक उथल पुथल और भूचाल के बावजूद भी आपको सफलता मिलने वाली स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा अशुभ होता है, विशेष तौर पर वृश्चिक राशि के लिए, क्योंकि वह मंगल से संबंधित राशि है। ऐसे में निश्चित तौर पर उसके दुष्प्रभाव आपको झेलने पड़ेंगे। उसके बावजूद भी परिस्थितियां आपके लिए विकास की बनी है, इतने समस्या इतनी बाधा झेलने के बावजूद भी आपको सफलता प्राप्त होगी। इस वर्ष में महत्वाकांक्षा को त्याग करके अपने समय के अनुसार फल पाकर के आपको संतोष करना चाहिए। जितना आपको जो प्राप्त हो जाए उसमें आप संतुष्ट हों। असमय अपवाद और वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है और ऐसे वाद विवाद से, बिना मतलब के झगड़ों से, विवादों से आपको दूर रहना चाहिए। सामाजिक रूप से कोई झूठा आरोप, कलंक तथा दोषारोपण की स्थिति भी आपके लिए आ सकती है, किंतु अंत में विजय आपकी ही होनी है, क्योंकि आप अपनी जगह पर सच हैं, अडिग हैं, साफ सुथरे हैं। तो आपके ऊपर आरोप जरूर लगाया जाएगा, लेकिन आप उससे ससम्मान बरी होंगे। आपके सामाजिक मान सम्मान, यश पर कहीं ना कहीं से आंच की स्थिति बनेगी, लेकिन आपका कुछ अहित नहीं होगा, ये आंच आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। अंत तो गत्वा विजय आपकी होनी है, मान आपका ही सबसे ऊपर रहेगा। ऐसे में शुभ और मांगलिक कार्यों में खर्च भी हो सकता है, कर्ज की स्थिति से बचना चाहिए। इस समय में आपको प्रयास ये करना चाहिए कि कम से कम कर्जा आपको लेना पड़े। जितना कम से कम ऋण लेंगे उतने आप सुरक्षित रहेंगे, उतना ज्यादा पैसे का दबाव आपके ऊपर नहीं बन पाएगा। झगड़े की स्थिति के भी योग बनते हैं, किसी वाद विवाद से बचना चाहिए। रक्त से संबंधित समस्या, स्नायु तंत्र यानी नसों से, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, उदर कष्ट यानी पेट से संबंधित तकलीफें आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और साल के मध्य से यानी जून से अपने पराए सभी से आपके असहयोग, वाद विवाद, मतभेद के कारण दूरी बन सकती है। तो अपने स्वभाव को भी आपको थोड़ा सा सौम्य रखने का प्रयास करना होगा। विद्यार्थी वर्ग को इस समय में बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे, विशेष प्रयास करके अपनी पढ़ाई में लगना होगा। व्यापारी वर्ग को मध्यम लाभ मिल सकता है, कृषक को विशेष लाभ मिलेगा। जो खेती किसानी करेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, शनिदेव उनकी मेहनत के अनुसार उनको फल देंगे, क्योंकि शनि जो है वह न्याय के देवता है। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना आपका हक और अधिकार है उसको देने में शनिदेव कभी भी आगे पीछे नहीं करते, कभी भी दूसरा विचार नहीं रखते। राजनीतिक व्यक्ति अपमानित हो सकते हैं, उनके लिए अपमान की स्थिति आएगी। नौकरी वालों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा ठीक ठाक रहने वाला है। इस समय में आपको जो लाभ मिलना चाहिए था वो आपको अवश्य मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को कौन से उपाय करना आपके लिए 2014 को शुभत्व दे सकता है, शुभ बना सकता है। आपको करना यह है कि हल्दी की 7 साबुत गांठें, 7 गुड़ की डलियां, 1 रुपए का सिक्का किसी पीले कपड़े में रख करके गुरुवार को के दिन आपको पीले कपड़े में बांध करके विष्णु और लक्ष्मी जी के चरणों में रख करके आए, विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के ये उपाय करके आइए। रखते समय अपनी जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो आप देवता के समक्ष, देवी देवता के समक्ष एक बार बोल दें, हर इच्छा पूर्ण होगी और ये आने वाला साल जो है आपके लिए सफलता से परिपूर्ण होगा, खूब सफलता आपको मिलेगी। ये उपाय बहुत ही माना उपाय है। तो जितनी भी अशुभता पूरे साल में अभी तक मैंने आपको बताई, इस एक छोटे से उपाय से आप उस सारी अशुभता को दूर कर सकते हैं। अब आप साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि आपकी राशि का मंत्र कौन सा है जिसका आपको जाप करना है पूरे साल भर। आपकी राशि का मंत्र है ओम एं क्लीं सौ। इस मंत्र का जाप करने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अब मैं आपको एक छोटा सा लाल किताब का चमत्कारी उपाय बताता हूँ, इसको कर लीजिए, सारी चिंताओं सारी बाधाओं से आप सुरक्षित रहेंगे। आपको करना यह है कि मिट्टी के बर्तन में शहद व सिंदूर अलग अलग भर करके घर के पूजा स्थान में रखें, फिर 11 दिन बाद इन दोनों अलग अलग मिट्टी के बर्तनों को जल में प्रवाहित कर दें। मंगलवार के दिन तंदूर में लगी मीठी रोटी किसी गरीब व्यक्ति को दान करते हैं, उसको आप भरपेट भोजन कराते हैं, विशेष तौर पर भोजन में मीठी रोटियां रखते हैं जो तंदूर में बनी हो, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और चलिए अब जान